आपका हमारे YouTube चैनल दिया जाए पाल में। दोस्तों तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि जनवरी 2024 में जो मूवीज़ रिलीज हो रही थी उनमें से एक बहुत बड़ी मूवीज़ है जो अपडेट हो चुकी है, यानी कि उसकी रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है। अब इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखें। मैं बात करने वाला हूँ किस मूवी के बारे में, कौन सी मूवी पोस्टपोन हुई है, क्योंकि आज 12 जनवरी हो चुका है और 12 जनवरी को यानी कि बहुत सारी मूवीज़ रिलीज हो रही हैं, हो चुकी हैं और मैंने देखा है। जैसा कि हनुमान का प्रदर्शन रहा है और भी कई, मैरी क्रिसमस वगैरह, कैप्टन मिलर वगैरह और कुरुथु एट्टम, कौन सी थी वो, हाँ जो भी थी, बट वो फिल्में आ रही थी, ठीक है। तो आज वो रिलीज हो चुकी है, मैंने देख ली हैं और उनका रिव्यू देकर मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया है। दोस्तों आज ही एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि जिसको पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि जनवरी में ही रिलीज हो रही थी। अब वो कौन सी मूवी है उसको बात करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भाई साहब ऐसी मूवी प्रभास अन्ना की। जी हाँ दोस्तों, उनकी सलार की मूवी के आने के बाद उनकी अब यानी कि बहुत ही बड़ी हिट होने वाली मूवी जो जनवरी में रिलीज हो रही थी, कल की 2898 AD, तो दोस्तों इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसकी रिलीज डेट क्या हुई है, क्यों इसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर देखा है, या तो उनके मेकर्स ने खुद ये सोचा होगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ एक साथ रिलीज हो रही हैं तो उतना ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती थी, कमाई भी कम हो जाएगी, तो इसी के चक्कर में ऐसा हुआ है। और भी कई हैं, अब मई में जाकर पहुंच चुकी है, 9 मई को, 9 मई को रिलीज होगी इस मूवी की ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब इसको उस वक्त के बाद भी अनाउंसमेंट यानी कि अब ये पोस्टपोन कर सकते हैं ऐसा मुझे नहीं पता है, लेकिन इस मूवी को अब मई में 9 तारीख को हम लोग देख सकते हैं। अब भाई मई में भी SRK आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। उस समय बहुत सारी मूवीज़ उस समय भी रिलीज हो रही हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, क्योंकि इतनी मूवीज़ झेलना मेरे लिए बस की बात नहीं है। पूरा महीना निकल रहा है भाई ये मूवीज़ देखते देखते, भाई 2 बार मूवी ज़रूर देखता हूँ मैं, तो आप लोग कितनी बार देखते हो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।